वेलकम बैक टू द गुजराती चेस जोन दोस्तों। लास्ट टाइम मेरे वीडियो में विनिंग क्विकली विथ e4 हमारी सीरीज चल रही है e4 की। इससे पहले हमने देखा था e4 अगेंस्ट सिसिलियन c5, जिसमें मैंने क्लोज सिसिलियन खेलने को आपको बताया था। आई होप आप लोगों ने खेला भी होगा, प्रैक्टिस की होगी, और कहीं भी दिक्कत आती है तो आप उसे एनालाइज में जाके मूव्स चेक कर सकते हैं कि आपने कौन सी गलती की है। आज हम बिशप c4 मतलब अटैकिंग लाइन e4 e5, आज हम देखने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण e5 के बारे में। तो e5 के सामने e4 e5, यहाँ भी आपके पास बहुत सारी चॉइसेस होती है, जैसे कि नाइट f3, d4, स्क्वॉश गैम्बिट और बहुत सारी अलग अलग। मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ यहाँ पे बिशप c4 बिशप लाइन खेलने के लिए। शुरुआत से आप अटैकिंग पोजीशन में आ जाते हो बिशप c4 लाइन में। अब bc4 में क्या क्या होता है, ये बहुत ही पुरानी लाइन है, इसलिए डीपली बहुत ही वेरिएशन होंगे, तो ध्यान से आपको देखना है हर एक मूव और हर एक वेरिएशन। यहाँ पे मेन लाइन ब्लैक नाइट f6, यहां आपको खेलना है d3 सिंपल। नाइट c3 कर सकते हो, लेकिन कॉम्प्लिकेशन बढ़ने से बेटर है आप d3 करो, डार्क स्क्वायर बिशप आपका ओपन हो जाता है d3 से। उसके बाद थर्ड मूव में ब्लैक क्या क्या रिप्लाई दे सकता है, कई गेम्स अलग अलग होती है, तो इसमें मेन मेरे पास 5 मूव है ब्लैक के लिए, 5 चॉइसेस है। 5 चॉइसेस के सामने आपको कैसे कैसे खेलना है उसके बारे में हम आज देखेंगे। तो सबसे पहली चॉइस है c6, आइडिया बिहाइंड दिस मूव सेंटर कंट्रोल बाय d5। दूसरी जो है नाइट c6, ये सिंपल दोनों नाइट डेवलप करके खेलने की जो लाइन है, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है। तीसरी जो लाइन है बिशप ओपनिंग bc5। फोर्थ जो है डायरेक्टली d5, और फिफ्थ सिंपल डिफेंसिव है बिशप e7। तो सबसे पहले हम देखते हैं c6 के बाद यहां आपको रिप्लाई देना है नाइट f3। मेन चॉइस है d5, ब्लैक c6 इसलिए कर रहा है कि सेंटर ब्रेक करे। d5 में यहां खास ध्यान रखता है आपको मारना नहीं है पॉन, सिंपल बिशप b3 वापस ले लो। बहुत ही बढ़िया मूव है, एक्सक्लेमेशन मार्क दिया जाता है यहां पे। बिशप b3 के बाद बिशप d6, ब्लैक रिप्लाई देगा bd6, क्योंकि उसका भी पॉन हैंगिंग है, सेंटर पॉन को सभी लोग ज्यादा इंपॉर्टेंट देते हैं, इसीलिए मैंने bd6 कहा। bd6 के बाद यहां आपको खेलना है नाइट c3, आप भी अपने सेंटर पॉन को सेव करने के लिए नाइट c3 खेलो। नाइट c3 के बाद बिशप e6, अब आपको d takes e4 करना है। बिशप e6 के बाद यहां पे आपको खेलना है बिशप g5। नेक्स्ट थ्रेट है पॉन टेक्स पॉन की, क्वीन a5 अगर ब्लैक खेलता है, सिंपल आपको कैसलिंग करनी है, क्योंकि d4 क्या जो थ्रेट है उससे हम बच जाए। आफ्टर nbd7 रुक e1 शॉर्ट कैसल अगर करता है, जैसे ही करता है नाइट h4 तुरंत अटैक में वाइट आ जाएगा विथ आइडिया क्वीन f3 और बहुत सारे अटैकिंग मूव्स इसके बाद आपके पास है। दूसरा वेरिएशन जो है, बाकी सारे वेरिएशन में इतना ज़्यादा आपको दिक्कत नहीं होगी वाइट से, इसलिए आगे हम डिस्कस नहीं कर रहे इसमें।
कोई भी ओपनिंग आप तैयार करते हो और बहुत जितना भी ज़्यादा देखोगे उतना ही ज़्यादा कन्फ्यूज होगे। इसलिए हम नॉर्मल मूव्स खेल के स्टार्टिंग के मूव्स जो है वो अप्लाई करके उसके ऊपर बहुत सारी गेम्स देखेंगे, गेम्स खेलेंगे, तभी हमारी ओपनिंग लाइन बहुत ही स्ट्रांग होगी। अब दूसरा हम देखते हैं एंड गेम के बारे में। मेरे हर एक वीडियो में अब आपको एक एंड गेम भी देखने को मिलेगी, बहुत ही बढ़िया एंड गेम मिलेगी। और यहाँ पे मेरी खुद की खेली हुई टूर्नामेंट की एक एंड गेम है। टूर्नामेंट में ये मेरी टूर्नामेंट की एक गेम है जिसमें इस टाइम पे मैं बैठे बैठे सोच रहा था, बहुत टाइम था मेरे पास और कुछ मूव्स निकालने का ट्राई कर रहा था, क्योंकि मुझे यहाँ पे मेरी खुद की गेम लूजिंग पोजीशन में दिख रहे थे, क्योंकि ब्लैक का नाइट जो है क्वीन पे अटैक कर रहा है, क्वीन F2 पे सेटल हो गया है, कभी भी नाइट का मेनोरिंग होके नाइट G3 चेक और बहुत सारे थ्रेट्स थे मेरे ऊपर, पर एक मूव ने पूरी गेम चेंज कर दी जिससे नाइट से क्वीन पे अटैक था और मैंने यहाँ पे पॉन C6 खेला। अब ये मूव से पूरी गेम चेंज हो गई, मतलब पूरे मेरे फेवर में आ गई। बाद में जो मूव मैंने किया है वो इससे भी जबरदस्त था, क्योंकि ब्लैक ने तो रिप्लाई दिया था क्वीन F4 करके पॉन के ऊपर अटैक बढ़ा के और नाइट से क्वीन पे अटैक करने का। अब यहाँ पे मैंने क्वीन C1 किया, सॉरी क्वीन C2। यहाँ पे ब्लैक ने रिप्लाई दिया क्वीन टेक्स पॉन। अब मैंने यहाँ बहुत टाइम सोचा कि क्या करूँ क्या करूँ कि मेरे, तब मुझे एक आइडिया आया, बहुत ही जबरदस्त आइडिया, और ये मुझे क्वीन टेक्स E4 बिल्कुल ब्लैक की ओर से ब्लंडर मूव दिखाई दी, क्योंकि मैंने क्वीन एक्सचेंज किया। पहले मैं सोच रहा था कि आफ्टर नाइट टेक्स E4, बट अगर मैं C7 करता हूँ तो नाइट D6 और फिर ब्लैक विनिंग हो जाएगा, पॉन को ऑलरेडी वो स्टॉप कर चुका है। लेकिन आफ्टर नाइट टेक्स CE4 मुझे एक बेस्ट मूव मिली, जबरदस्त मूव, बिशप सैक्रिफाइस, बिशप C5। अब देखो कि ना तो किंग बर्गर स्क्वायर के अंदर है और ना ही नाइट उसे कंट्रोल कर सकता है, और नाइट टेक्स बिशप में उसके बाद C7 और फिर ब्लैक रिजाइन, क्योंकि अब ये पॉन वो रोक नहीं सकता। आफ्टर नाइट D7 नाइट E6 वॉट एवर नेक्स्ट मूव C8 प्रमोट द क्वीन, और इसी मूव में ब्लैक ने रिजाइन किया। तो दोस्तों ये एंड गेम कैसी लगी आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है, वीडियो को शेयर जरूर करना, लाइक करना है। अगर आपको वीडियो पसंद आया है अपने ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए। बैक टू बैक सारी ओपनिंग सीखने के लिए इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिए। जल्द ही मिलेंगे। जय हिंद, जय गुजरात।